इस समय हम मौजूद हैं बुद्धेश्वर स्थित रिहान रिहाब सेंटर में, जहां पर दिव्यांग बच्चों का प्रोग्राम चल रहा है। ये प्रोग्राम MSG फाउंडेशन की ओर से चल रहा है। हमारे साथ अध्यक्ष इसके मौजूद हैं सादिक जी, जो इस कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। सर, आज का जो कार्यक्रम है इसके बारे में पूरा बताइए, क्या मोटिव है? मेरा नाम मोहम्मद सादिक है। मेरा मोटिव मलिन बस्तियों पर मैं काम करता हूँ। मेनली मोटिव मेरा एजुकेशन पे है। अपने इस हालात में, मतलब शहर में बहुत बुरे हालात हैं एजुकेशन के ऊपर, तो उद्देश्य मेरा यही है कि जो मलिन बस्तियां हैं उस पे हम एजुकेशन पे काम करें। और यहाँ पे आज मेरा आना हमें हुआ, और इन बच्चों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम करा। हर मतलब मन बुद्धि बोलते हैं इन बच्चों को, विकलांग भी बोलते हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं ये। इनको हर समाज में बहुत अच्छी जगह देना चाहिए। जैसा कि आप कार्यक्रम कराते ही रहते हैं बहुत सारे, लेकिन ये जो आप दिव्यांग बच्चों का कार्यक्रम है, क्या स्पेशल है इसमें? इसमें ये स्पेशल है, मतलब इन लोग को समाज से दूर रखा जा रहा है। तो मेरा मानना ये है और मेरा ये नज़रिया ये है कि इन बच्चों को आगे बढ़ाएं। इनमें वो काबिलियत होती है जो हर बच्चे में काबिलियत नहीं होती है। अभी जैसे देखा आपने, यहाँ पे डांस इन बच्चों ने करा, बेहतरीन डांस बच्चों ने करा। इनको इसी तरह से आगे बढ़ाएं, कोई ना कोई स्किल इनके में निकाली जाए और इससे आगे बढ़े इनका फ्यूचर। MSG फाउंडेशन आपका है, तो ये किस तरह से और आगे काम करेगा? ये मेरा सबसे पहले मेरा मोटिव है कि एक फ्री कोचिंग सेंटर खोलना मलिन बस्तियों में। सबसे बड़ा उद्देश्य मेरा भी यही रहेगा और मेरा यही मकसद रहेगा कि बच्चों को पढ़वाएं आके। नाम रश्मि वर्मा है, मैं यहाँ की अध्यक्षिका हूँ। और MSG फाउंडेशन के द्वारा आज संस्था में एक कार्यक्रम रखा गया है। बच्चों, यहाँ पे अनाथ और मानसिक बंधित बच्चे रहते हैं। इन बच्चों को हम लोग अपनी लाइफ के जो भी जीने के तौर तरीके हैं, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। और पढ़ाई लिखाई का हर एक चीज़ जितना भी इनको हम सिखा सकते हैं, क्योंकि इन बच्चों को कुछ भी नहीं आता है। ये बच्चे एकदम जीरो हैं, मानसिक मंदित हैं और इनका कोई भी नहीं है। तो हम इन बच्चों को यहाँ पे संस्था में सारी चीज़ें सिखाते हैं, डांस सिखाते हैं, योगा भी कराते हैं, फुल एक दिनचर्या के अकॉर्डिंग ही कार्य कराते हैं। और हमने एक निर्वाण संस्था द्वारा ये पहल रखी है कि हर बिछड़े को उसके परिवार से मिला सके। तो हमारा एक मेन उद्देश्य ये है कि हमारे जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं, उन बच्चों को हम सबको तो नहीं, लेकिन हर एक, अगर हमारी संस्था के 150 बच्चों से 10 बच्चे भी अपने परिवार में चले जाएंगे, तो हमें एक बहुत खुशी होगी कि हमने बिछड़े को मिलाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, जैसे कि आपने बताया कि आप यहाँ पे वर्क करती हैं, अध्यक्षिका हैं, तो कितना आपके लिए चुनौतीपूर्ण होता है ये? मैम, इन बच्चों के साथ कार्य करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि हमें इन बच्चों पे बहुत जिम्मेदारी के साथ कार्य करना पड़ता है, क्योंकि इनको बिल्कुल सेंस नहीं है कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। कभी कभी क्या होता है, बच्चे हाइजीनिंग का भी बहुत दिक्कत आता है, तो हम लोग हाइजीन का सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि सारी बीमारियां जो पनपती हैं वो हाइजीनिंग के गंदगी से, इन सब चीज़ों को। तो हम लोग साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं, बच्चों के हाइजीन का विशेष ध्यान रखते हैं, और खाने का डाइट प्लान के अकॉर्डिंग खिलाते हैं। यदि किसी बच्चे को किसी भी तरीके से तकलीफ़ है तो उसका विशेष ध्यान देते हैं। और इन बच्चों को हम लोग एक पढ़ाई के माध्यम से नहीं सिखाते, इन बच्चों को हम ऐसे सिखाते हैं कि ये अपने तरीकों को नॉर्मल तरीके से ना हटके एक खेलने के तरीके से सीखें, क्योंकि अगर हम नॉर्मल तरीके में इनको सिखाते हैं तो सीखना नहीं चाहते हैं। इस वजह से इन बच्चों को हम एक खेलने के माध्यम से सिखाते हैं कि हम लोग इंजॉय करेंगे, डांस परफॉर्मेंस, बच्चों को डांस सिखाते हैं तो एक मस्ती के तरीके से, ताकि वो सीखें। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो नहीं कुछ करना चाहते हैं, हम लोग फिर उन बच्चों को पेन ड्राइव में, राइम्स में, TV से, इस माध्यम से सिखाते हैं कि उस किसी भी तरीके से सीखना ही हमारा मेन उद्देश्य है। मैम, जैसा कि आपने बताया कि इन बच्चों के साथ आप प्रॉपर इस तरह से सिखाती हैं कि वो अच्छे से सीखें, और बच्चों की तरफ से आपको सपोर्ट मिलता है, पेरेंट्स की तरफ से कितना सपोर्ट मिल रहा है आपको? मैम, इन बच्चों के पेरेंट्स के बारे में हमें नहीं पता होता है, तो हम इन बच्चों के पेरेंट्स के माध्यम, जैसे आधार कार्ड बनवाते हैं बच्चों के, तो उसके माध्यम से हमें कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे जैसे बिछड़ गए, फैमिली वाले भी ढूंढते हैं, नहीं मिल पाता है, तो आधार की मदद से हम लोग इन बच्चों को घर भेजने में सफल होते हैं। बाकी हमें किसी भी पेरेंट्स का कोई मदद नहीं है, तो इस पर, और हमारा निर्वाण NGO इन बच्चों पर कार्य करने का एक
उद्देश्य रखा है कि इन बच्चों के लिए हम लोग आगे कार्य करें और चाहते हैं कि इन बच्चों को हम आगे कल का भविष्य बनाने में थोड़ा सा अगर कर पाएंगे तो बहुत अच्छा है। बाकी हम लोग चाहते हैं हमारे बच्चों को हम लोग पार्टिसिपेट्स वगैरह भी कराते हैं इवेंट्स में। अभी हौसला राजस्त्री गेम हुआ था तो उसमें मेरे बच्चे फर्स्ट सेकेंड थर्ड विनर्स भी आए। मुझे खुशी हुई कि हम इन क्योंकि इन बच्चों से हम अगर इन बच्चों को हम आगे ले जाने में जरा सा भी अगर सफल होते हैं तो सबसे खुशी की बात ये हुई कि हम सफल हुए। बच्चों की सफलता के पीछे हमारी सफलता। मेरा नाम समरीन सिद्दीकी है और ये मेरे लिए बहुत ही खुशकिस्मती की बात है कि मैं इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हूँ। इससे पहले भी मैं और सादिक एक साथ काम कर चुके हूँ और कहते हैं कि ये स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं ना, लोग इन्हें मनबुद्धि कहते हैं लेकिन ये वाकई स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं और ये इनका मन इतना साफ़ होता है और इनमें इतना टैलेंट होता है। ज़रूरत होती है कि इनको साथ देने की, सपोर्ट करने की और मोहब्बत से गले लगाने की। तो आज हमारी और सादिक की यही कोशिश है कि हम इनके साथ वक्त गुजारें और इनको जानें और इनसे प्यार और मोहब्बत शेयर करें। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने यहाँ के MSG फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं सादिक साकिब जी से बात की, उन्होंने बताया कि जो उनका मोटिव है दिव्यांग बच्चों के साथ, उन्होंने बोला कि दिव्यांग बच्चों जो हैं जिसके ऊपर कभी मतलब कोई ध्यान नहीं देता है उनके साथ MSG जो है उन पर वर्क कर रहा है, उनको यहाँ पर खिलाने पिलाने की चीज़ें और उसके साथ ही कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी उनको दे रहे हैं। और उनका मोटिव ये भी है कि एजुकेशन पर काम करना। जो मलिन बस्तियों में बच्चे रहते हैं जिनको एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिल पाती है वो प्रॉपर एजुकेशन पाए। वीडियो जर्नलिस्ट अनुज के साथ मनु तिवारी, वी न्यूज़ लखनऊ। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।